विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का छठा दिन है और विधानसभा में इस बीच सेब का मामला भी गूंजा। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर आधे घंटे की चर्चा लेकर आए और सेब की 5,000 करोड़ की आर्थिकी पर संकट गहराया है, ये बयान दिया उन्होंने। किलो के हिसाब से सेब बेचने पर बागवानों में भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन को अगले साल से क्रियान्वित करने की जरूरत है। इम्पोर्ट ड्यूटी को 50-70% करने के लिए केंद्र से बीजेपी नेता भी मिलकर गुहार लगाएं। सुनते उन्होंने क्या कहा, फिर प्रदीप का रुख करें। चाहे उसमें सेब हिमाचल से जाएगा, वो चाहे देश की कोई भी मंडी हो उसमें जाएगा, तो इसलिए अब ये समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया कि जो विदेशों से सेब आयात होता उस पे पहले 50% शुल्क था, उसे 70% किया गया था और अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जो है फिर से 20% घटाया गया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैंने अपने जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया, क्योंकि वो भी सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि 5,000 करोड़ की हमारी आर्थिकी है, तो मैंने उनसे भी कहा कि वो भी दिल्ली में बात करें और ये जो घटाया गया है इसे 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 फिर से जो है पहली वाली स्थिति में जो है लाया जाए। और तीसरा मुद्दा मैंने ये भी उठाया कि वाघा बॉर्डर से जो ईरान का सेब है वो ईरान का सेब अफगानिस्तान के रास्ते वाघा बॉर्डर से आ रहा है, जिससे हमारे बागवानों को यहाँ जो है परेशानी हो रही है और नुकसान हो रहा है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारे ब्यूरो हेड शिमला से। प्रदीप, सेब को लेकर पिछले काफी वक्त से चर्चाएं गर्म हैं प्रदेश में और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया। जाहिर सी बात है आर्थिकी पर बड़ा असर सेब की वजह से पड़ता है हिमाचल प्रदेश जैसे सूबे में। आज की कार्यवाही के दौरान क्या चर्चाएं हुई इस पर और क्या विधायक कुलदीप राठौर के इस बयान से इत्तेफाक रखते नजर आए विपक्ष के विधायक? बिल्कुल, देखिए नियम 61 के तहत ये चर्चा लाई गई थी यहाँ पर विधानसभा में। हालांकि ये प्रश्न लगा था पहले प्रश्नकाल में, लेकिन पिछले कल इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, तो इन्होंने गुहार लगाई थी स्पीकर से कि मुझे इस पर चर्चा करनी है, तो उन्होंने नियम 61 का हवाला देते हुए ये कहा था कि आप इस पर अलग से चर्चा आधे घंटे की करें। तो आज उनकी तरफ से ये चर्चा लाई गई और इसमें जो, क्योंकि आधे घंटे की चर्चा होती है तो इसमें जो चर्चा लाने वाले विधायक हैं वो बोलते हैं और दूसरी तरफ जो संबंधित मंत्री हैं वो उसका उत्तर देते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जिनके पास बागवानी विभाग है, उन्होंने इस चर्चा का उत्तर दिया। इसमें कुलदीप राठौर ने जो विषय उठाया है उनका कहना ये है कि जो इस वक्त प्रदेश में किलो के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है वो भी अभी टेलीस्कोपी कार्टन के जरिए ही बिक रहा है। कई बार बागवान 28 किलो 30 किलो का जो कार्टन लेकर आ जाता है उसमें सेब रखता है, लेकिन उसको किलो के हिसाब से ना बेचकर उसमें 24 किलो की एक बाइंडिंग लग जाती है कि 24 किलो का रेट्स दिए जाने हैं। तो इस तरह का इनका एक विषय था और उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सल कार्टन को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि उसमें 24 किलो की ही पैकिंग हो और उसी हिसाब से ही सेब बिके, क्योंकि बागवान भी भ्रम में है। हिमाचल में किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहां पर किलो के हिसाब से सेब नहीं बिकता है। और इन्होंने चिंता जाहिर की कि हरियाणा सरकार ने पंचकुला में भी एक नई मंडी खोली है और उसका नुकसान भी हिमाचल के बागवानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बागवान वहां भी जाने लगे हैं और वहां पर भी उनके साथ जो है किलो के हिसाब से सेब नहीं बिक रहा है। तो इस पर बागवानी मंत्री ने कहा कि अगले साल से टेलीस्कोपी कार्टन में सेब नहीं बिकेगा, पूर्ण प्रतिबंध लगेगा और केवल जो यूनिवर्सल कार्टन है उसमें भी उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन एक बात कहने को है, केवल ये एक स्टैंडर्ड है पैकिंग का, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पैकिंग का है, तो ऐसे में उसके आधार पर हम 24 किलो फिक्स करेंगे, उसमें 1.5 किलो का कटिंग होगी, यानी उसमें कोई जो कार्टन का वेट है उसको काटकर बाकी का रेट जो है वो बागवानों को दिया जाएगा और अगले साल से हम इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अनिवार्यता इसकी रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था उसमें, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ही बोले और कई बार जो कुलदीप राठौर हैं कांग्रेस विधायक वो इस विषय को पहले भी उठा चुके हैं। आज भी उन्होंने केंद्र से, बीजेपी की विधायकों से मांग की आप केंद्र से मांग करें कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाए 50% से उसको 70% किया जाए।